क्या होगा अगर एक लड़का और लड़की सुनसान टापू पर फंस जाए, क्या वो लोग वापस घर जा पाएंगे? तो चलो देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एमा नाम की लड़की को देखते हैं। वो कॉलेज में अपने क्लास में बैठे हुए होते हैं। वो लोग कोई प्रोजेक्ट के लिए किसी आइलैंड पर जाने वाले होते हैं, इसीलिए उनका प्रोफेसर सब कुछ बता रहा होता है। फिर हम एमा और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग कैंटीन में बैठे हुए होते हैं। एमा की दोस्त लीजा उसे स्टीवन नाम के लड़के के साथ चिढ़ा रही होती है, पर एमा डैन नाम के लड़के की तरफ देख रही होती है, शायद वो उसे पसंद करती है। फिर हम एमा को उसके घर में देखते हैं। वो अपना सामान पैक कर रही होती है। फिर हमें डैन को दिखाया जाता है। वो उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाना चाहता है, पर उसके पापा उसे जाने के लिए कहते हैं और वो मान जाता है। फिर हम उन लोगों को कॉलेज के पास देखते हैं और वो लोग वहाँ से बस लेके निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग आइलैंड पर पहुँच गए हैं। वहाँ पे वो लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। एमा डैन की तरफ देखती है, पर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। फिर हम सबको प्रोजेक्ट का काम करते हुए देखते हैं। वहाँ पे स्टीवन वापस से एमा से बात करने के लिए आता है, इसीलिए लीजा उसे वापस से चिढ़ाती है। फिर हम एमा और उसके दोस्तों को रूम में देखते हैं। वहाँ पे उसकी एक दोस्त आके कहती है कि आज रात किसी बोट में कार्निवल पार्टी हो रही है और हम लोगों को स्टीवन ने उस बोट में बुलाया है, पर एमा आने से मना करती है, पर लीजा उसे मना लेती है। वो लोग बोट में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो लोग बोट में पार्टी कर रहे होते हैं और तभी पुलिस आ जाती है और उसकी वजह से एमा डर जाती है और पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर जाती है। और डैन ये देख लेता है और वो लोग एक छोटे नाव पे चढ़ जाते हैं जो कि बड़े बोट से बंधी हुई है, पर डैन उस रस्सी को खोल देता है क्योंकि वो पुलिस के चक्कर में फंसना नहीं चाहता था। और एमा से कहता है जब पुलिस चली जाएगी तब हम किनारे के तरफ चले जाएंगे, पर वो लोग बहकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं एमा की दोस्त लीजा प्रोफेसर को बता रही होती है कि एमा मिल नहीं रही है, कल रात को बोट पे वो हमारे साथ ही थी। फिर हम एमा और डैन को देखते हैं। डैन का फोन बिगड़ चुका होता है, इसीलिए वो एमा से पूछता है, पर एमा कहती है मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ प्रोफेसर देख रहा होता है कि कोई और तो नहीं गुम है, तो उन लोगों को पता चलता है कि डैन भी नहीं है। फिर उन लोगों को एक आइलैंड दिखता है और वो लोग जैसे तैसे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ एक बार फिर एमा मोबाइल में नेटवर्क चेक करते हैं, पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो लोग आइलैंड के दूसरी तरफ देखने के लिए जाने लगते हैं कि कोई मदद मिल जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों के पेरेंट्स को ये खबर कर दी गई होती है। एमा के मम्मी पापा और डीन के पापा वो लोग यहाँ आने के लिए निकलते हैं। एमा और डीन आइलैंड के बीच में आ गए हैं। तब उन लोगों को एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल भी मिलता है और डीन वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है, पर एमा को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, इसीलिए वो वहाँ रुकने से मना करती है। वो लोग आइलैंड की दूसरी ओर पहुँच जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कोई नहीं है और वो लोग एक खाली पड़े आइलैंड पर है, इसीलिए वो लोग वापस से बोट के पास जाने लगते हैं। वो लोग बोट की तरफ आ रहे होते हैं और उन लोगों को बीच में एक गुफा दिखती है। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ रह सकते हैं, इसीलिए वो लोग गुफा के अंदर देखते हैं, पर उसमें से चमगादड़ निकल आते हैं और वो लोग डर जाते हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ नहीं रहते और वापस से अपनी बोट की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग पहुँच के देखते हैं कि बोट गायब हो गई है। फिर हम देखते हैं कि शाम हो गई है और एमा के पास कुछ खाना होता है, वो लोग वो खा रहे होते हैं। हम वहाँ उन लोगों के पेरेंट्स को देखते हैं, वो लोग एयरपोर्ट में आ चुके हैं। वापस से हम एमा और डीन को देखते हैं, वो लोग आग जला के बैठे हुए हैं। तभी एमा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, पर डीन उसे कहता है कुछ नहीं है, चिंता मत करो। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि एमा कुछ लिख रही होती है ताकि कोई ढूंढ ना आए तो उसे दिख जाए, और डीन पानी में नहाने जाता है और एमा के फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम एमा और डीन को ढूंढने जाते हैं, पर आज भी उन लोगों को वो नहीं मिलते हैं। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि वो लोग वहाँ से फल ढूंढकर खा रहे हैं। दूसरी ओर न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं कि उन लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है और उन लोगों की बॉडी की तलाश चालू करने वाले हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डीन के पापा और एमा की मम्मी वो लोग हेलीकॉप्टर लेके उन्हें ढूंढ रहे हैं। वहाँ हम देखते हैं कि जो डीन के पास लाइटर था वो भी ख़त्म हो गया है, अब उन लोगों को खुद से आग जलानी सीखनी पड़ेगी। तभी उन लोगों को एक इंसान का कंकाल मिलता है और वो लोग डर जाते हैं और एमा बहुत परेशान हो जाते हैं कि उन लोगों का भी यही हाल तो नहीं होगा। पर डीन उसे दिलासा देता है कि हम जरूर यहाँ से निकल जाएंगे और फिर आप ही देख लो। अगली सुबह एमा उठकर देखती है कि डीन वहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो डर जाती है और आइलैंड के अंदर ढूंढने जाती है। उन लोगों को मिले हुए कंकाल को डीन दफना रहा होता है। फिर एमा और डीन के बीच बहस होती है
और एमा गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। फिर वो लोग उस वाटरफॉल में नहाने जाते हैं। फिर वहाँ पे बारिश होने लगती है और वो लोग डांस करने लगते हैं और वो लोग वापस से किस करते हैं। फिर वहाँ न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं कि वो लोग एक महीने से गायब है और उन लोगों की ऑफिशियल तलाश भी रोक दी गई है। फिर एमा की मॉम वेटर पैटर्न दिखाकर एक बार फिर से तलाशने के लिए कहती है और वो लोग तलाशने जाते हैं पर उन लोगों को वो नहीं मिलते हैं। यहाँ वहाँ तस्वीर दिखाकर भी पूछते हैं और आखिर में ठकार कर वो लोग घर लौट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डीन फूल तोड़ रहा होता है, तभी उन लोगों को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। तो डीन और एमा बाहर की तरफ भागते हैं और फ्लेयर गन से फायर करने वाले होते हैं पर उन लोगों को फ्लेयर गन नहीं मिलती है और वो हेलीकॉप्टर भी चला जाता है। उन लोगों की सारी चीज़ें गायब हो गई है। इसी बात पे वो लोग एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा। तभी डीन को कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो देखने के लिए जंगल के अंदर जाता है और वहाँ पे एक ब्लैक पैंथर होता है। वो डीन के पीछे दौड़ता है और एमा भी आवाज़ सुन के दौड़ती है पर डीन उस ब्लैक पैंथर को मार देता है। जंगल के सच्चे टार्जन की तरह है भाई। तो फिर यूं ही डीन घुसरने लगते हैं। वो लोग अपने लिए एक मजबूत झोपड़ी भी बनाते हैं। एमा और डीन के पेरेंट्स भी उन लोगों को मिस कर रहे होते हैं। वो लोग एक पत्थर पर डीनों की गिनती भी कर रहे होते हैं। एमा को स्कूल के फ्रेंड्स भी मिस कर रहे होते हैं। फिर वो लोग सोए हुए होते हैं तभी पेड़ पे से बोतल गिरती है तो ऊपर देखते हैं कि एक बंदर है जो उन लोगों की सारी चीज़ें लेके चला गया था। वो बंदर वहाँ सारी चीज़ें गिरा के चला जाता है। फिर एमा गुस्से में फ्लेयर गन से एक गोली फायर कर देती है। फिर हम देखते हैं कि डीन मछली पकड़ रहा होता है। तभी उन लोगों को फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग बाहर भागते हैं और एमा फ्लेयर गन से फायर करती है और टूरिस्ट को टूर कराने वाला पायलट उन लोगों को देख लेता है। फिर हम एमा और डीन को एयरपोर्ट पे देखते हैं। सभी उन लोगों से मिलके बहुत खुश होते हैं। फिर डीन रात को एमा को मिलने जाता है और किस करने की कोशिश करता है पर एमा थोड़ा पीछे हो जाती है और डीन को लगता है कि एमा वापस आके बदल गई है और वो थोड़ा मायूस होके जाने लगता है। फिर एमा उसे पार्टी पर बुलाती है जो कि उनके पेरेंट्स ने रखी होती है उन लोगों के लौटने की खुशी में। अगले दिन वो लोग पार्टी में एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं। डीन एमा को साइड पर बुलाता है लेकिन वो नहीं आती है। फिर हम देखते हैं कि डीन और एमा कॉलेज में भी एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं। एमा डीन को फोन करती है लेकिन वो नहीं उठाता है। फिर हम एमा को पार्टी में देखते हैं। डीन वहाँ बाहर बारिश में एमा के लिए खड़ा होता है। फिर वो लोग किस करके डांस करने लगते हैं और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।